सीरत शौरी और अनोखी की कहानी में आलोक चाचू के कारनामे अब सामने आ गए हैं। कॉलेज में पता नहीं कितनी लड़कियों को उन्होंने परेशान करके रखा था, लेकिन एक लड़की ने फाइनली खुल्लम खुल्ला कंप्लेन कर दी है, वो भी अनोखी से। अनोखी आलोक चाचू के खिलाफ ये सब कुछ सुनकर शॉक्ड तो हो जाती है, लेकिन जब वो लड़की ऑडियो क्लिप सुनाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि आलोक चाचू ऐसे कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद में वो पूरे कॉलेज में हंगामा कर देती है और उसके लड़की का साथ देती है और साथ सच का साथ देती है। जब सभी घर वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, मैनेजमेंट वगैरह सामने आलोक की बुरी बेइज्जती हो जाती है। और यहाँ पर ऑडियो क्लिप सुनने के बाद तो शौर्य भी शॉक्ड हो जाता है कि आलोक चाचू किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन हद अभी यहाँ पर नहीं होने वाली। अब तो शौर्य अब आलोक चाचू को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कॉलेज की बदनामी उनकी वजह से हुई है। तो भाई घर जाते ही पूरे ये मामला पूरा तूल ले लेता है और सभी घर वाले यहाँ पर शौर्य और अनोखी पर चढ़ जाते हैं कि ये कौन सा तरीका है आलोक की पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जती करने का। तो तभी शौर्य भी उन सब घर वालों को चुप करवाता है और कहता है कि अनोखी की क्या गलती है, अनोखी ने तो सच का साथ दिया और आप लोगों की गलती है कि आलोक चाचू को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सच्चाई अगर पहले सामने आ जाती तो अब ये लड़की के साथ इतनी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका होगा। और अनोखी को डांटने से पहले आप आलोक चाचू को डांटिए, और ताऊ जी तो अनोखी को ही डांट रहे होते हैं। तो शौर्य भी कह देता है अनोखी की कोई गलती नहीं, गलती है तो आलोक चाचू की गलती है, ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं जबकि उनकी खुद की दोनों बेटियां उसी कॉलेज में पढ़ती हैं। उस इनकी इस हरकत के बाद में किट्टी बेबो का क्या होगा, उनको लोग कैसे ताने सुनाएंगे और उनके फ्रेंड्स उनको कैसा तवज्जो देंगे, पूरी कॉलेज में बेइज्जती हो चुकी है। आलोक का अब बुरा हाल कर देगा शौर्य और अब मैनेजमेंट से तो उसे हटाएगा ही और उसके बाद में उसे जेल भी भिजवाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब सबूतों के दम पर अब अनोखी उनको नहीं छोड़ने वाली है और आलोक चाचू को जेल हो जाने वाली है। अपने परिवार के खिलाफ जाकर अनोखी उस लड़की का साथ देती है, इस वजह से अनोखी को कॉलेज में वाह वाह मिलती है और सभी लोग अनोखी की काफ़ी तारीफ करते हैं। तो भाई आलोक चाचू तो अनोखी के रास्ते से हट चुके हैं, अब देवी क्या करेगी ये आने वाले वक्त बताएगा।